नमस्कार, मैं हूं प्रसून। लोकतंत्र के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र बेहद धमाकेदार होने वाला है। विपक्ष पहले से ही ज्यादा सीट बटोर कर संसद में आई है और दो दो हाथ करने के लिए अब तैयार खड़ी है। संसद सत्र से पहले पहला जंग स्पीकर पद के लिए है, फिर तमाम मसले उठाए जाएंगे। कांग्रेस ने अपने हमलावर तेवर पहले ही जग जाहिर कर दिए हैं। वहीं एनडीए ने संसद सत्र को लेकर अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसद सत्र को लेकर गठबंधन नेताओं की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चा हुई। साथ में सत्र के एजेंडे और रणनीति पर भी मंत्रणा हुई। बीजेपी को दो फ्रंट पर मोर्चा संभालना होगा। अव्वल तो एनडीए सहयोगियों को साथ लेकर मोर्चेबंदी करनी होगी, तो दूसरी तरफ विपक्ष के आक्रामक तेवरों का भी सामना करना होगा। वहीं विपक्ष अपने नए बाहुबल से जोर आजमाइश करेगा। आज हम सत्र से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और पक्ष विपक्ष की रणनीति को भी समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले देखते अपनी एक खास रिपोर्ट। चौबीस जून से संसद सत्र शुरू होने वाला है। विपक्ष इस बार पूरे लाव लश्कर के साथ सत्ताधारी एनडीए पर हमला करने के लिए तैयार है। विपक्ष की सीटों में इजाफा हुआ है। बीजेपी को लोकसभा में 240 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं और उसके सहयोगी दलों ने करीब 165 सीटें जीती हैं। विपक्षी दलों ने इस बार के संसद में कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी इस बार सरकार को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 50-50 का नहीं है मामला, हमारे पक्ष में है। वो तो बैसाखी पर चल रहे हैं, वो बैसाखियां बवाल मचा रही हैं। टीडीसीपी से लेकर जेडीयू रोज सरकार को लताड़ रही है, आरएसएस लताड़ रहा है, राजभर जी कह रहे हैं इन्हीं की वजह से चुनाव हार गए। तो मामला इनके पक्ष में नहीं है, 50-50 नहीं है, पलड़ा हमारा भारी है। देखिए कौन कब किधर चला जाए इनको पता ही नहीं है। मेरा अपना मानना है कि हमारे जो चुने हुए सांसद हैं, हमारे सदन की नेता जो हैं सोनिया जी और खरगे जी, इसका जरूर अच्छा एक निष्कर्ष आएंगे, निर्णय लेंगे। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस बार लोकसभा में या राज्यसभा में वो तानाशाही नहीं होगी जो हमने पिछली बार देखी थी। 14 मिनट राहुल जी बोले और 11 मिनट स्पीकर को दिखाया जाए, अब वो नहीं हो सकता है। अब वो बदलना होगा, क्योंकि लोकसभा या सदन गरिमा से, मर्यादा से चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा। राज्यसभा का सत्र भी 27 जून को शुरू होगा और 3 जुलाई को समाप्त होगा। रिजिजू ने आगामी सत्र में सभी राजनीतिक दलों से रचनात्मक बहस की अपील की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार आम सहमति से संसद चलाना चाहती है, क्योंकि लोगों ने देश की सेवा करने का जनादेश दिया है। ये कांग्रेस का अपना डिसीजन है कि वायनाड से प्रियंका जी लड़ेंगी, वो वायनाड से लड़ेंगी तब भी संसद में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगी, संगठन में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगी। और ये देवेश चंद ठाकुर जी जैसा ही बयान है कि इस पर भरोसा नहीं है। कौन, हर व्यक्ति इस देश का हिस्सा है भाई, नागरिकों के बीच में पैमाना लेके बैठे हुए हैं आप लोग, क्या बना रहे हैं इसमें। जो लोग भी इस प्रश्नोत्तर में भी शामिल हैं कि उनसे सवाल किया जाए और ये वो बोलेंगे, साझा गुनहगार। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए आगामी 26 जून 2024 को चुनाव होने वाला है। ये महत्वपूर्ण घटना नई सरकार के विधायी एजेंडे की शुरुआत का प्रतीक है। लोकसभा चुनाव 2024 में 240 सीटें जीतने वाली बीजेपी को लेकर संभावना है कि यह अध्यक्ष पद पर नियंत्रण बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगी। दूसरी ओर विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने के लिए अपने उम्मीदवार का प्रस्ताव रख सकते हैं। अध्यक्ष का चुनाव संसदीय कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण घटना है और इसके परिणाम आगामी संसदीय क्षेत्र के लिए माहौल तैयार करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी, जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए नई सरकार का रोडमैप बताया जाएगा। विपक्षी नेताओं ने मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट को लेकर बड़े पैमाने पर विवाद को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। लोकसभा सत्र में नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर भी बात होने की मजबूत संभावना है।
वहीं स्टॉक मार्केट कथित गड़बड़झाले का भी मुद्दा उठ सकता है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी को अनुमान के मुताबिक सीटें न मिलने की वजह से शेयर बाजार में आई भारी गिरावट के बीच निवेशकों के भी 32 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। दो बड़े मुद्दे हैं, एक मुद्दा है सेबी का मुद्दा, जो हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री के सबसे बड़ा इनसाइडर ट्रेडिंग स्कैम, ये स्टॉक मार्केट एग्जिट पोल घोटाला जो है, इसको लेकर के हम बात करेंगे पहले। इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे मेरे साथी ने कहा, मोदी सरकार का फेडरल टेररिज्म, जो डिस्क्रिमिनेटरी टेररिज्म है, जिस तरह से गंदे तरीके से, असभ्य तरीके से केंद्र सरकार बंगाल गवर्नमेंट के साथ व्यवहार कर रही है, मोदी सरकार जिस तरह से डर्टी ट्रिक्स प्ले कर रहे हैं। आगामी राष्ट्रपति अभिभाषण में पिछली एनडीए सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने और अगले 5 वर्षों के लिए एक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करने की उम्मीद है। हालांकि अभिभाषण पर बहस में सरकार पर विपक्ष का तीखा हमला देखने को मिल सकता है। विपक्ष इस अवसर का लाभ उठाकर सरकार की नीतियों और प्रदर्शन पर आक्रामक आलोचना कर सकता है। इस बहस का नतीजा आगामी संसदीय क्षेत्र के लिए मंच तैयार करेगा, जहां सरकार और विपक्ष के बीच प्रमुख विधेयकों और नीतियों पर विधायी युद्ध होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो संसद सत्र में क्या क्या होगा, किन मुद्दों पे घमासान होगा, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन आई सिंह, नेता बीजेपी, चंद्रेश सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, और अशोक कुमार तिवारी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल चंद्रेश सिंह जी से। चंद्रेश सिंह जी, संसद सत्र शुरू हो रहा है, संसद सत्र चलने देंगे या हंगामा मचा के रोक देंगे? नहीं, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखती है और लोकतांत्रिक तरीके से देश के हित में जो भी कार्य होगा, हम मजबूत विपक्ष की तरह सरकार के साथ खड़े होंगे। लेकिन यदि कोई भी देश विरोधी गतिविधि होती है, आवाम के साथ धोखाधड़ी होता है, लोगों के हक और हुकूक पर पहरा डालने का काम किया जाता है और देश के जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उसको संचालित न करके चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार यदि काम करेगी तो सदन नहीं चलेगा। सदन चलेगा तो देश हित में चलेगा, अदरवाइज सदन नहीं चलेगा। पिछले 10 साल में हमारे पास संख्या बल में कमी थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन के अंदर हमें चिढ़ाने का काम करते थे, हमारी बातों को नजरअंदाज करने का काम करते थे। देश हित में हमने नोटबंदी का विरोध किया, इन्होंने मजाक उड़ाया। देश हित में हमने कोरोना के समय कोविशील्ड और जो भी दवाइयां इन्होंने लगवाने का काम किए उसका हमने कहा कि एक बार रिव्यू तो कर लीजिए, नहीं माने। आज लोग हार्ट अटैक से, ब्रेन हेमरेज से मर रहे हैं, दवाई की साइड इफेक्ट मामले सामने आ रहे हैं। और किसानों के मुद्दे पर, तमाम मुद्दों पर हमने सरकार को घेरने का काम किया, लेकिन इस सरकार ने विपक्ष को ना तो तजब्बो दिया, ना तो विपक्ष की बात को सुनने के लिए तैयार थे और अलग अलग तरह के इशारे करके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री विपक्ष को चढ़ाने का काम करते थे। इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा, मजबूत विपक्ष है और ये बैसाखी पर, दो बैसाखी के भरोसे चलती हुई लंगड़ी सरकार है। यह सरकार कब गिर जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। सरकार चलेगी, सदन चलेगा, देश हित में चलेगा, नहीं तो न सरकार बचेगी और न सदन चलेगा। सदन नहीं चलेगा आप ये कह रहे हैं कि अगर आपकी बातों पे सुनवाई नहीं हुई तो आप चर्चा चाहेंगे तमाम मुद्दों पे या पहले धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे? जी नहीं, हम चर्चा चाहेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा चाहेंगे और सरकार उस चर्चा में शामिल हो, अपना उसके लिए नोटिस देना होता है। बहुमत का जो निर्णय होगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे। यदि सरकार देश हित में कार्य नहीं करेगी और सदन के अंदर विपक्ष को मुंह चिढ़ाने का काम करेंगे और इनके द्वारा लाए गए बिल देश हित में नहीं होंगे, और यदि हमें लगेगा कि सदन के अंदर सिर्फ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडप कराने की कोशिश कर रहे हैं तो सदन। चलिए ठीक है, हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक कुमार तिवारी जी। अशोक जी, आखिर आपके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या लगता है कि किन मुद्दों पे
बीजेपी को जवाब देना चाहिए जनता के सामने। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनता है सर्वोपरि है, और जन भावनाओं का पर इन्होंने घराघात किया था पिछले साल, पिछले सेशन में, अपने 1924 के कार्यकाल में जी। और आज हालात यह है कि जो हमने वायदे किए हैं जनता से, किसानों को खासतौर से, किसान पूजनीय होता है देश के लिए, किसान बहुत बड़ी चीज होती है देश के, देश की मजबूती का आधार होता है किसान जी। और जवान हमारा जी। तो किसान को जो उपेक्षा किया था इन्होंने, किसान के MSP की गारंटी चाहेंगे हम, उसकी गारंटी दी जाए, किसान का कर्जा माफ किया जाए, किसानों को जो है पेंशन दी जाए, इस तरह की योजनाएं की जाए, और जो है नौजवानों का जो सबसे बड़ा मुद्दा है नीट का, इस समय किसानों को पेंशन देने की बात अपने अपने घोषणा पत्र में की थी अशोक कुमार तिवारी जी। जी जी जी, 5,000 रुपए पेंशन देने की बात की थी। अच्छा, चलिए घोषणा पत्र जी। कैप्टन आई सिंह हमारे साथ मौजूद है, नेता बीजेपी। कैप्टन आई सिंह जी, इस बात का नीट की परीक्षा का जो धांधली हुआ है उसका पर्दाफाश करके उसको रद्द किया जाए। वो कोर्ट में चल रहा है मामला, उसपे कोर्ट ने जवाब मांगा है, लेकिन इस पे भी सरकार को जवाब दे ही तो बनती ही बनती है। कैप्टन आई सिंह जी, जो मोटे मोटे तौर पे समझ में आ रही है बातें, उसमें एक साफ है कि पहला मुद्दा होगा कि स्पीकर कौन होगा। स्पीकर तभी कांग्रेस या विपक्षी दल मानेंगे जब आप उनके लिए डिप्टी स्पीकर पद दे दीजिए विपक्षी गठबंधन को, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? देखिए शुक्ला जी, डिप्टी स्पीकर हो या स्पीकर हो, हमारे जो घटक दल है उनके सहयोग से, उनके साथ विचार मंथना करके बिल्कुल काम किया जाएगा। और मैं तो कहूंगा कि ये जो पक्षी पर भी सहयोग करना, आपकी आवाज के प्रणय सिंह जी कट कट के आ रही है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपकी जी, अभी ठीक आ रही है आवाज? हाँ एकदम आ रही है, ठीक जी बोलिए। मेरा कहने का मतलब यही है कि इन्हें विपक्षी दलों को एक इस भावना से ना काम करें कि हमें तो सिर्फ विपक्ष में बैठे हैं तो हमें तो सिर्फ विरोध की भावना से काम करना है, विरोध की भावना से काम ना करके। नहीं नहीं, विरोध की भावना से नहीं, उन्होंने मुद्दे गिना दिए हैं कैप्टन आई सिंह जी। उन्होंने बताया कि नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है उस पे आप कौन सी जांच करवा रहे हैं, CBI की जांच करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, कोर्ट में फैसला हो रहा है, कोर्ट भी कह रही है कि अगर आपसे गलती हुई है 0.001% भी तो आप इसकी जांच करिए, इसको बताइए कोर्ट को, तो जांच में देने में क्या दिक्कत है नीट में, नीट की धांधली वाले मामले में जी? की जरूरत पड़े उसमें कुछ सही नहीं जा रहा, सब कुछ सही कहने लगेगा, गलत को भी अगर वो सही कहने लगेगा तो वो गलत सही तो नहीं जाएगा। तो आप जो है ना कैप्टन आई सिंह जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जो अशोक तिवारी जी कह रहे थे नीट का मुद्दा, नीट में जो धांधली हुई है वो एक बड़ा मुद्दा है, तो आप लोगों की मांग क्या है अशोक तिवारी जी? CBI जांच की मांग हो, कोर्ट तो अपने हिसाब से कर ही रही है पूरे मामले की विवेचना, जांच की, इसमें CBI से जांच की आवश्यकता है, न्यायिक जांच की आवश्यकता है, सबसे बड़ी चीज ये है, और न्यायिक जांच होनी चाहिए इसकी। तो आप न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं? जी जी, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि जनता के प्रति सरकार उदासीन है, सरकार का रवैया देखिए अशोक तिवारी जी, अभी तक आप एकदम सही लाइन पे जा रहे थे, अब आप बता रहे हैं कि जनता के प्रति उदासीन है, लेकिन अगर यही स्थिति आपके कथन को मान लिया जाए तो सत्ता में बैठी हुई है, जनता ने चुन के उनको भेजा है, NDA 293 के साथ आई हुई है, तो उदासीन आप हैं कि NDA है, इस पे विवेचना हो सकती है। सर ये मैं भी जानता हूँ कि 240 की संख्या है, बैसाखियों का सरकार है, ये मैं भी जानता हूँ, मैं ना बोलूंगा, मेरा जवाब रोक लेंगे आप क्या? अरे अशोक तिवारी जी उतनी बात बोलिए ना कि जैसे आप पहले ही सत्र के पहले ही भविष्यवाणी कर दिए, जनता उब चुकी है, ये कोई किसी के गले से उतरेगा? अरे सर मेरी बात सुनेंगे तब समझ पाएंगे, बीच में इंटरप्ट करेंगे तो उसमें जनता समझ पाएगी, न दर्शक समझ पाएंगे, ना आप समझ पाएंगे। जी बताइए, मुझे बोलने दीजिए ना। जी जी, आप मेरी जबान ही रोक देते हैं, आगे बोलने ही नहीं देते हैं, तो कैसे जान पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ? अशोक तिवारी जी अब मेरी बात सुन लीजिए, चूंकि आपने बोल दिया है तो आपको आगे भी आराम रहेगा,
आप लोग अपनी बातचीत के दौरान कुछ ऐसे तथ्य दे देते हैं जो तथ्यों के साथ मेल नहीं खाता है, तो इसलिए उस समय रोकना जरूरी हो जाता है आपको। आप अपनी बात रखिए जी। अशोक तिवारी जी, मुझे आपने इंटरप्ट किया है, मुझे पूरा सुना नहीं है आपने। नहीं, हम आपको सुन रहे हैं। दो मिनट तक नॉन स्टॉप बोलिए आप जी। ठीक सर, ऐसा है कि जनता के प्रति उदासीन है सरकार, युवाओं के प्रति उसका कोई भी लेना देना नहीं है। जिस तरह से नीट में धांधली हुई है, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ इस चीज की। जिस प्रकार से परीक्षाएं लीक हो रही हैं लगातार एक 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 बाय एक करके, जिस प्रकार से नीट में जितना बड़ा करप्शन हुआ है, मामूली करप्शन नहीं हुआ नीट में, रैंक कहाँ कहाँ चला गया है। आज युवा परेशान है, देश की समस्या है ये, बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, इसके लिए आप सीबीआई और न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। या तो बड़ा परीक्षा नीट का होता है या तो इंजीनियरिंग का होता है। अब इतने बड़े मुद्दे को आप हल्के में ले रहे हो। अरे भाई, ये तो बात भाई, मैंने ही तो आपसे पूछा कि इस पे क्या मांग कर रहे हैं आप। चर्चा तो संसद में होगी होगी, उसके अलावा आपने सीबीआई की मांग कर दी, ये बात भी सामने आ गई। अब इस पे न्यायिक की मांग करी हमने, न्यायिक जांच की मांग करी है। सबसे बड़ी बात न्यायिक जांच की मांग की है, बिल्कुल सही बात है। न्यायिक जांच की कैप्टन आई सिंह जी, कैप्टन आई सिंह जी, इसमें क्या दिक्कत है न्यायिक मांग में, सीबीआई जांच की मांग में? जनता में आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है। आक्रोश है, बिल्कुल सही बात है कैप्टन आई सिंह जी। कांत के मूड में है युवा इसमें देश का, और इनकी फजीहत हो रही है पूरे देश में, तुतु हो रही है। ठीक है, क्रांति का क्या मतलब होता है उस पर बाद में चर्चा करेंगे। कैप्टन आई सिंह जी, जांच करवाने में दिक्कत क्या है न्यायिक जांच में? जिस तरह से ये विपक्षी दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस ही हो, ये अपने कार्यकाल तो देखते नहीं कि इनके कार्यकाल में क्या हुआ है। कैप्टन आई सिंह साहब, आपसे पूछ रहा हूँ कि इस मुद्दे पे नीट में जो धांधली के आरोप लग रहे हैं, इसकी जांच करवाने में क्या दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल, अगर उसकी जांच की जरूरत होगी तो जांच कराई जाएगी। हमने कब मना किया कि जांच नहीं कराएंगे? अगर जांच की आवश्यकता पड़ी तो बिल्कुल कराई जाएगी। मगर ये कुछ जो कह दे कि ये सत्य है, कोई तो सत्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि जग जाहिर है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इतिहास पूरा देश जानता है। चलिए, तो इसका मतलब है कि इस पे एक हद तक सहमति बन सकती है जांच करवाने और न करवाने पे। लेकिन अब दूसरा मुद्दा आता है, फेडरल टेररिज्म का आरोप लग रहा है कैप्टन आई सिंह जी। अभी इस पे हम आपसे जवाब लेंगे, लेकिन पहला जवाब सवाल हम पूछेंगे चंद्रेश जी से। चंद्रेश जी, आखिर फेडरल टेररिज्म से क्या मतलब है आपका, जो आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे? देखिए, टेररिज्म का मतलब पहले समझ लें, फिर हम फेडरल टेररिज्म को समझेंगे। अनावश्यक तरीके से किसी को भी भयभीत करना, बिना टेररिज्म की बात कर रहे हैं या फेडरल की बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, पहले हम टेररिज्म पर ही बात करें, फिर फेडरल पर बात करेंगे। आतंकवाद का मूल उद्देश्य होता है लोगों के बीच भय कारित करना, और उसका जो कृत्य होता है वो अवैधानिक होता है, अतार्किक होता है और मूल्यहीन होता है। आजकल भारतीय जनता पार्टी राज्यों के प्रति, विशेषतः वे राज्य जहां पर विपक्षी दल की सरकारें हैं, उनको सीबीआई से, ईडी से और भी हथकंडे अपनाकर भयभीत करने का काम कर रही है। न सिर्फ भयभीत कर रही है, बल्कि उन सरकारों को बदनाम करने का प्रयास भी कर रही है, कुंठित प्रयास कर रही है जी। और मुझे लग रहा है कि ये भी एक तरह का वैचारिक आतंकवाद ही है, क्योंकि इसमें सामने से लोग बम गोले बारूद से तो नहीं मरते हैं, लेकिन देश के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है जिससे लोग भयभीत महसूस करते हैं और अपने आप को डरा। लोग भयभीत महसूस करते हैं या संघीय आतंकवाद, जिसकी बात हम कर रहे हैं। सुन लीजिए चंद्रेश जी, आखिर मोहन भागवत जी को, अरे चंद्रेश जी मुद्दे पर रहेंगे तो ठीक है, मोहन भागवत जी अभी नहीं आए। अरे सुन लीजिए ना, मोहन भागवत जी अभी इस मामले पर नहीं आएंगे, उस पर बात पे आएंगे। अभी केवल ये कहना है कि संघीय आतंकवाद की जो बात कर रहे हैं, आपका ये कहना है कि इससे राज्य सरकारें भी आतंकित होती हैं, लोगों का मामला नहीं है या लोगों की चुनी हुई राज्य सरकारों का मामला, यही कह रहे हैं ना आप? अब इसका जवाब ले, मेरी बात एक और जोड़ लीजिए जी। मैं जो बात कहना चाह रहा था आपने बीच में टोक दिया। आज मणिपुर में जो घटना घट रही है, वहां पर 500 से अधिक महिलाओं के साथ ब्लास्टिंग ऑन रिकॉर्ड हुए, ऐसे जो रिकॉर्ड में नहीं है उनकी तो बातें छोड़ दीजिए। 10,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए, लाखों लोगों ने अपना घर बाग छोड़ा,
वहां पर जो आज माहौल बना हुआ है इसको लेकर मोहन भागवत ने कहा कि किसकी जिम्मेदारी है, कौन जिम्मेदारी तय करेगा, आखिर ये सब क्यों हुआ, वहां जो बंदूक की परंपरा थी वो आखिर खत्म हो गई थी पिछले 10 साल में, कौन लोग जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई हुई, क्या ये घुसपैठिए जिम्मेदार है, इसमें क्या कौन सी बात कर रहे हैं आप। चलिए कैप्टन आई सिंह जी बताइए चंद्र सिंह जी के जवाब। देखिए इनके पास कुछ मुद्दे नहीं होते हैं तो ये फालतू की बातें लेते हैं और उन बातों का कोई मतलब नहीं होता। इन्होंने कहा कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अरे जिसने कुछ किया नहीं है उसे डरने की जरूरत ही नहीं है। हमारे देश में न्यायपालिका है, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान है, तो यहाँ तो किसी को डरने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप गलत नहीं हो, और आप गलत हो, आपने जनता के हक का पैसा अगर उसमें घोटाला किया है, उसको आपने खाया है, उसको लूटा है, अपनी तिजोरियां भरी हैं, तो बिल्कुल आपके ऊपर एक्शन होगा। आप देखिए कि उसमें झारखंड में कांग्रेस के एक सांसद के यहाँ 352 करोड़ रुपए निकलते हैं और ये कह रहे हैं कि कहीं कुछ गलत है ही नहीं। इसी तरह से ममता बनर्जी के यहाँ शिक्षा घोटाला हुआ, उस पर एक बार भी नहीं बोले, उनके मंत्री के घर से 100 करोड़ रुपए निकला, उस पर ये एक बार भी नहीं बोले। जो संवेद खली जो कैप्टन आई सिंह जी ठीक है इन्होंने नहीं बोला, लेकिन आपने बहुत अच्छी कार्रवाई की और छापा मार के तमाम पैसा करोड़ों करोड़ रुपए वसूल लिया, निकाल लिया इन लोगों के पास से, बहुत अच्छा किया। लेकिन सवाल फिर उठता है कैप्टन आई सिंह जी कि आप अपने जो 10 साल से सांसद थे या 11वें साल में तीसरी बार कुछ लोग जीते होंगे, आपने देखा कि वो 10 साल में उनकी आय में कितनी बढ़ोतरी हुई, ऐसे अपने सांसदों के ऊपर छापेमारी करवाया क्या? बिल्कुल, अगर ऐसे हमारे सांसदों के यहाँ कुछ ऐसा है तो ये उसके सबूत पेश करें, हम करवाएंगे। अरे भाई ये काम करना आपको है, जांच की एजेंसी आपके पास है, आप पता कर लीजिए कि 2014 में जो सांसद बना था उसके पास पहले कितनी पूंजी थी, फिर उसने कौन सा ठेका पट्टा और काम किया, कारोबारी गतिविधि किया कि अब वो करोड़पति अरबपति बनने जा रहा है। एक आध दो तो ऐसे होंगे ना कि सब लोग पाक साफ हैं। कैप्टन आई सिंह शुक्ला जी मैं आपको बहुत अच्छी एक बात बता दूं जी, माननीय मुलायम सिंह जी जब राजनीति में आए थे और मैं उनके बिल्कुल नहीं गांव का हूँ, ज्यादा दूर का नहीं हूँ जी, तो वो प्राइमरी स्कूल में एक टीचर हुआ करते थे, उन पर एक साइकिल हुआ करती थी और उसमें भी कैरियर उनका ना वो स्टैंड नहीं होता था, दीवार से टिका के खड़ी कर देते थे। आज उनके लड़कों पे, उनके नाती पोतों पे करोड़ों करोड़ों की गाड़ियां हैं। बहुत अच्छी बात कही आपको, अब इसी पे रुकना चाहता हूँ कैप्टन आई सिंह जी। आप बता रहे हैं कि भ्रष्टाचारी थे तो उनको पद्म पुरस्कार देने की जरूरत क्या थी आपकी सरकार को? पद्म पुरस्कार देना वो देखो चीज अलग है। नहीं अलग नहीं है, बिल्कुल नहीं कैप्टन आई सिंह जी, आप भ्रष्टाचारी को आप पद्म पुरस्कार थोड़ी दे सकते हैं। नहीं, पद्म पुरस्कार कुछ काम ठीक भी होते हैं, ये नहीं कहा कि भ्रष्टाचार है तो उन्होंने कोई काम अच्छे नहीं, कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ गलत भी किए। अरे भाई कैप्टन आई सिंह जी उनके खिलाफ तमाम जांचें चलती रही और आपके ही शासन काल 10 साल में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। आप फिर आरोप लगाएंगे मुलायम सिंह यादव पे, अपने सांसदों पे नहीं लगाएंगे। अशोक कुमार तिवारी जी जो बात कैप्टन आई सिंह जी कह रहे हैं उससे इत्तेफाक रखा जा सकता है कि भ्रष्टाचार हुआ था और कुछ न कुछ पैसे ऊपर नीचे हुए, इसको तो हर आदमी अब स्वीकार कर लेगा। मुलायम सिंह यादव जी दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जितने भी नेता हैं वो काजल की कोठरी में जाते हैं और अपने आप को पाक साफ सफेद चद्दर में लपेट के आते हैं, ऐसा कैसे संभव हो जाता है? देखिए सर, हमसे सवाल अगर है तो हम बोले जी जी। मैं कहना चाहता हूँ माननीय नेता जी को पूरा देश याद करता है और अच्छे रूप में याद करता है, उनको किसानों के मसीहा के रूप में याद करता जी। है उनको, देश में जो वीर जवान शहीद होते हैं हमारे, उनकी बॉडी उनके घर पर आती है। आज नेताजी ने ही परंपरा शुरू करी थी कि उसको आज जो है राजकीय सम्मान मिलता है। चलिए लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, जो फेडरल टेररिज्म की बात हो रही थी, संघीय आतंकवाद की बात हो रही थी, जिससे बताया जा रहा है, चंद्रेश जी ने बताया कि इसका उपयोग करके राज्य की सरकारों को डराया जाता है, उन राज्यों में जहां विपक्ष सरकार बनाया हुआ है, सरकार में है, वहां लोगों की चुनी हुई सरकार को डराने का काम किया जा रहा है, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए ये जो सरकार है ये माननीय मोदी जी की,
इसने क्या कुछ नहीं किया है। अरे हम कह रहे हैं कि डराती है या नहीं डराती है, या वास्तव में भ्रष्टाचारियों को उजागर करती है। सच्चाई यह है कि जो करती है ये पूरा देश समझ चुका है और उत्तर प्रदेश खास तौर समझ चुका है जी। उत्तर प्रदेश चाहता है तो पलट देता है, बाजी पलट देता है अच्छे अच्छों की। अच्छा। उत्तर प्रदेश में अच्छी तरह समझ गया, समझ में आ गई है बात कि आज भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और किस तरह से इलेक्ट्रोनल बॉन्ड का घोटाला हुआ, किस तरह से भ्रष्टाचारियों को लाला गया, वॉशिंग मशीन में धोया गया, ये छिपा हुआ जनता से नहीं है। जनता कोई आप इस बात को लेकर कोर्ट में जा रहे हैं अशोक तिवारी जी? जनता के हमारे जो व्यूअर समझना चाहते हैं, जो आरोप लगा रहे हैं इस तरह के, इस पर्टिकुलर नेता को लेके या पार्टी को लेके या ऐसे लोगों को लेके जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, उनको लेकर उनके मामले को कोर्ट में जाएंगे? हाँ या ना? जो इलेक्ट्रोनल बॉन्ड का घोटाला हुआ है, सरकार देखिए सरकार, अरे उसमें कहाँ इलेक्ट्रोनल बॉन्ड का घोटाला हुआ है? सुन तो लीजिए अशोक तिवारी, घुमाइए मत, एक एक मुद्दे पर रहेंगे तो ठीक रहेगा। अरे भाई एक आदमी ने, एक कंपनी ने लिया, सुनिए भाई आप अशोक तिवारी, इस पर 5 बार डिबेट हो चुकी है, 5 बार डिबेट हो चुकी है, मैं फिर बता रहा हूँ, सबसे बड़ा घोटाला आपकी, मेरा मुंह कम नहीं कर पाएंगे। अरे सुन तो लीजिए, कोलकाता में बड़ा घोटाला हुआ, मौलिक आजादी, कांग्रेस से ज्यादा पार्टी चंदा मिला टीएमसी को, मुझको मौलिक आजादी है बोलने की? अरे बोलने की आजादी है लेकिन सही तथ्यों के साथ बोलेंगे ना। इन्होंने बड़ा घोटाला किया है इसमें। कैसे किया घोटाला? चलिए आपको इसी पे विषय पे 2 मिनट बोलने का मौका देता हूँ, कैसे किया घोटाला? उधर चंदा आ गया, उधर चंदा आ गया, उधर काम दे दिया, क्या बात करते हैं? किसी किसको क्लीन चिट मिल गई? आप मुझे एक कंपनी नाम बताइए जिसको क्लीन चिट मिल गई हो। आपके कहने से मान लिया जाएगा? अरे आपके कहने से मान लिया जाएगा क्या? आप कह रहे हैं कि क्लीन चिट दे दिया गया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, क्लीन चिट मिला किसी कंपनी को? क्लीन चिट मिला या नहीं मिला, जो कुछ कर रहे हैं जनता देख रही है, जनता के सामने है, सरकार हमेशा नहीं रहेगी इनकी, सरकार जाएगी, जांच होगी, जब सब काला सच्चा सामने आ जाएगा इनका। चलिए इस विषय पे अभी फिर चर्चा करेंगे, इसीलिए डरे हुए हैं ये। स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही थी चंद्रेश जी, कहा जा रहा है शेयर मार्केट में जो उतल पुतल हुई वो बीजेपी की जार में उसकी रची हुई साजिश थी, नतीजों का एहसास था तो इसीलिए कुछ लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। चंद्रेश जी बिल्कुल, मैंने इस विषय पर कई डिबेट में शामिल हुआ है और हमेशा मैं पीयूष गोयल की बात को ध्यान में रखकर लोगों को मैंने अपनी बात समझाई है कि केंद्र सरकार का मंत्री किस तरह से लोगों को गुमराह कर रहा है। मुझे तो आश्चर्य है कि कैसे कैसे लोग इस सरकार में मंत्री बन जाते हैं। शेयर मार्केट घोटाला जो हुआ, जिसको हमने ये चुनाव के संबंध में हमने देखा कि किस तरह से ओपिनियन पोल में बीजेपी को 400 से ऊपर की सीटें दिखाई, तो बीजेपी के से संबंधित जो भी कंपनियां थी उनके शेयर में उछाल आया। प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने लोगों को शेयर में निवेश करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्होंने मोटिवेट करने का काम किया। जब डिमांड बढ़ी तो शेयर की कीमतें बढ़ती है, शेयर की जब कीमतें बढ़ती हैं तो उद्योगपतियों को लाभ होता है और इस देश में 5 करोड़ लोगों ने शेयर खरीदे। उद्योगपतियों के साथ जनता को भी जो निवेश करते हैं उनको लाभ होता है। जब दोपहर 12 बजे तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हारने लगी, शेयर मार्केट धड़ाम हो गया और 5 करोड़ लोगों का पैसा डूब गया। अब ये समझा रहे हैं कि कैसे भारतीयों को लाभ हुआ, मुझे तो यही समझ में नहीं आया। लाभ नहीं हुआ शेयर मार्केट, आप ये कह रहे हैं शेयर बाजार में जो चंद्रेश जी आगे मत विषय से, चंद्रेश जी देखिए ऐसा गंभीर विषय पे चर्चा कर रहे हैं, गंभीरता से बात करेंगे तो कुछ निष्कर्ष निकलेगा, हम भी चाहते हैं कि मामले की तह तक पहुंचे। मैं कह रहा था कि जब मार्केट में उथल पुथल होती है तो शेयर के दाम घटते हैं कभी बढ़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप भी इस बारे में नहीं जानते हैं। मैं इस विषय को, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं सच्चा समझाना चाह रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने चुनाव समाप्त होने के बाद और उससे पहले प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील किया शेयर मार्केट, फिर यही अपील नहीं किया, फिर वही बात, फिर मैं बात कह रहा हूँ, आप गलत कह रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप तथ्यों पर रहिए, कहिए उन्होंने शेयर बाजार को लेकर कोई बयान दिया जिससे आप फिर गलत हैं। आप कांग्रेस पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देखिए, मीडिया में बयान है, टीवी पर बयान है, कहीं भी इसमें कोई फेक बात नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है किस तारीख को किसने क्या कहा है। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ चंद्रेश जी आपसे, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मैं आपको अभी समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले गृह मंत्री ने कहा शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए 30 तारीख को, 12 तारीख को प्रधानमंत्री कहते हैं निवेश करने के लिए,
30 तारीख को इधर चुनाव नाव समाप्त होता है, इधर 1 तारीख को ओपिनियन पोल आने शुरू हो जाते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा बढ़त दिखाई जाती है। इस बीच में लोग शेयर मार्केट में पैसा खूब लगाते हैं और अगले दिन जब भारतीय जनता पार्टी हार रही होती है तो शेयर मार्केट तेजी से उस रात 1 तारीख को 31 तारीख को रात से लेकर 1 तारीख तक शेयर मार्केट में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला। जब बीजेपी हारने लगी शेयर मार्केट धड़ाम हो गया। तो यदि प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील नहीं किया होता कि शेयर मार्केट में निवेश करिए तो शायद ट्रस्ट करके लोग निवेश नहीं किए होते। और विद्यार्थी रहे हैं, मेरी बात सुनिए, दोबारा डिबेट पे आऊंगा मैं। इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन आई सिंह, नेता बीजेपी, चंद्रेश सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, और सुमित मल्होत्रा, प्रवक्ता टीएमसी। सुमित मल्होत्रा जी पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रेश जी, मैं आपसे कह रहा था आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, घाटा तो तब होगा ना जब आप संडे को लेके शेयर मंडे को बेच दीजिए, मंडे को लेके शेयर ट्यूजडे को बेच दीजिए। अगर शेयर के दाम नीचे जा रहे हैं तो आपको रुकना चाहिए। चंद्रेश जी, आप भी जानते हैं कि शेयर मार्केट में निवेश जो है लॉन्ग टर्म निवेश होता है और शॉर्ट टर्म जब निवेश शेयर मार्केट में किया जाता है तो जोखिम से भरा होता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने लोगों से अपील किया कि शेयर मार्केट में उछाल आने वाला है तो लोगों ने ट्रस्ट करके, क्योंकि 1 तारीख को 31 तारीख को जो ओपिनियन पोल आया उसमें जी दिक्कत क्या, जब कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपील किया, प्रधानमंत्री ने कयासबाजियों पे अपना मौन समर्थन दिया कि हो सकता है कि आप बीजेपी की सरकार आ रही है, आप अगर करेगी इनमें तो उसमें होगा, अपील नहीं करना इसको कहते हैं जी। चंद्रेश जी, प्रधानमंत्री जी अर्थशास्त्री हैं, गृह मंत्री जी अर्थशास्त्री हैं, पूरा देश चला रहे हैं, आप पूछेंगे अर्थशास्त्री हैं, अब किसके बारे में कौन सी डिग्री है आपको पता नहीं, जानकारी है। इसीलिए तो पूरे देश का बेड़ा गर्क हुआ है कोविड, उसके बाद भी जनता उनको चुन रही है, चुनी है, डबल बैसाखी की सरकार है, कहां जनता चुनी है? जनता ने तो बीजेपी को हरा दिया, अब जबरदस्ती का मतलब बिना पार्लियामेंट्री कमेटी का अपना जो बीजेपी का उसकी मीटिंग बुलाए बिना जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का अवैध। चलिए चंद्रेश जी, अब जवाब ले लेते हैं इस मुद्दे पे। कैप्टन आई सिंह जी, आखिर शेयर मार्केट के बारे में कयासबाजी वाले बयानों की देने की जरूरत क्या थी जबकि 3 दिन बाद सरकार बनने वाली थी जी? देखिए शुक्ला जी, ना गृह मंत्री ने, ना रक्षा मंत्री ने, ना माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। ये बात स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन चर्चा तो किया था शेयर मार्केट को लेके। नहीं, चर्चा तो देखो हर समय होती है, लोगों को कहा जा, ये नहीं कहा जाता कि आप इसमें लगाई दो, अगर उनके कहने से लोग अगर इतना लगाते तो उन्होंने जाने कितने ऐसे कार्य कहे होंगे उसमें लोग क्यों, तो ये तो विपक्ष के पास आज कुछ कहने को नहीं है तो वो मुद्दों से हटके दूसरी बात करते हैं। किसी प्रधानमंत्री ने किसी से नहीं कहा कि आप शेयर खरीद लें और शेयर में आप शेयर मार्केट में पैसा लगा दें, किसी से नहीं कहा है। मगर आज समस्या वो है, इनके पास कहने को कुछ नहीं हो, ये बार बार कहते हैं कि कैप्टन आई सिंह जी, इसमें ग्रेविटी हो या ना हो लेकिन अगर गतिरोध पैदा करना होगा तो कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर फिर जांच की मांग करेगी। सेबी को उन्होंने लेटर लिख दिया, सेबी जांच करेगी, तो अब ये समझना होगा चंद्रेश जी से ही कि आप जांच किससे चाहते हैं, सेबी से या किसी और संस्था से? हम तो जेपीसी की मांग कर रहे हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट, ज्वाइंट पार्लियामेंट ठीक है। कैप्टन आई सिंह जी, क्या इस पे सहमति बन सकती है? नहीं, अगर जायज मांग होगी तो उसके ऊपर बिल्कुल सरकार ध्यान देगी और उसके ऊपर सरकार और एक कदम और आगे बढ़ेगी। अगर इनकी नाजायज मांगे होंगी तो ये तो पहले भी सदन इन्होंने नहीं चलने दिया है। चलिए सुमित मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद हैं, टीएमसी प्रवक्ता, आप थोड़ी देर में जुड़े हैं सुमित जी, लेकिन आपको बता दें कि दो ऐसे मुद्दे थे जिस पे आपका जवाब लिया जाना जरूरी है। पहला आरोप लगा है कि फेडरल टेररिज्म, यानी बीजेपी या केंद्र की एनडीए सरकार राज्य सरकारों को धमकाती है, डराती है, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? प्रसन्न भाई, देखिए इस बात तो सही है कि केंद्र में बैठी एनडीए सरकार जो दूसरा काम अपना कर रही थी उसको हमने देखा है, पूरी जनता ने देखा, देश की जनता ने देखा जिस तरीके से डराने का, धमकाने का जो
माहौल इन्होंने बनाया है सीबीआई ईडी के द्वारा, वो सब ने देखा है, कोई छिपा नहीं है कोई किसी व्यक्ति से छुपाया गया हो। इवन आप ये समझिए कि न्यूज चैनल जो बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं उन तक को धमकाया गया है कि अगर आपने हमारे खिलाफ कोई गलत खबर चलाई, किसी ने अगर गलत खबर चला दी, किसी ने कोई सच बात दिखाई, तो उन तक को तो इन्होंने सुमित जी हम तो समझ नहीं पाते हैं आप लोग किस तरीके की बात करते हैं। जैसे आप कहते हैं बड़े चैनलों को भी धमकी दिया, उसी के 10 मिनट बाद बोलते हैं कि बड़े चैनलों को खरीद लिया है। अब सुन तो लीजिए मल्होत्रा साहब, इसके आगे की बात बता देता हूं। ऐसे पत्रकारों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर आप ही की सरकारों में ने FIR दर्ज किया। दिल्ली में आदमी पत्रकारिता कर रहा है, कर्नाटक से पुलिस भेजी जा रही है, पंजाब से पुलिस भेजी जाती है, और एक मामले में तो जी न्यूज के पत्रकार को पकड़ने के लिए कोलकाता से पुलिस आई, हालांकि बाद में उसी जी न्यूज की तारीफ करते रहे। सुमित मल्होत्रा जी, प्रसन्न भाई देखिए, आप कह रहे हैं बंगाल से पुलिस आई, आप कह रहे हैं पंजाब से पुलिस आई, आपने कभी इस बात का जिक्र नहीं करा कि बीबीसी लंदन के ऊपर इतनी बड़ी रेट हो जाती है। किसके ऊपर? बीबीसी लंदन की क्या गतिविधियां, आप उसके बाद से एग्री करते हैं? मुझे तो सुमित जी समझ में नहीं आता है, जो जो चैनल ब्रिटेन की बात रखता है, ब्रिटेन के हिसाब से अपनी रणनीति बनाकर यहाँ खबरें पेश करता है, आप ऐसे कह दीजिए अल जजीरा बहुत सही है। अरे आप यहाँ के न्यूज चैनलों की बात करिए ना, वहाँ आर्थिक घोटाला हो रहा था, आपको मालूम ही नहीं मामला, वहाँ उन्होंने पैसे का घोटाला किया था, उन्होंने रिटर्न में दिया, एक्सेप्ट किया। सुमित जी मैं चूंकि उस मामले को खुद भी देखा हूँ, उसमें उन्होंने रिटर्न में माना है कि पैसे की। मुझे एक बात का बताइए, जब अगर वो चैनल आपके हिसाब से गलत है तो गलत। मैं कह रहा हूँ जो जिस मामले पे उनके ऊपर छापा पड़ा था वो आर्थिक गतिविधियों को लेकर पड़ा था, उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि इतने पैसे हमने नहीं दिए टैक्स के। प्रसन्न भाई अगर आप मानते हैं कि कुछ उस पर गलत चल रहा था, कुछ गलत, अरे टैक्स का पैसा नहीं दिया था, वही पैसा लिया, उन्होंने मान भी लिया, समाचार का लेना देना नहीं था। मैं इसलिए सुमित जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी तथ्य रखिए हमारे व्यूअर के सामने, उन तथ्यों में दम होना चाहिए। जी प्रसन्न भाई, मैं आपसे सब ही कह रहा हूँ, सीबीआई का डंडा क्या आपको नहीं मालूम है जिस तरीके से केवल एक विपक्षी नेताओं को उठाकर के अंदर करा जा रहा है, और जो भाजपा की गोद में जाके बैठ गया, भाजपा के जाके उसने कूलर वॉशिंग मशीन ला लिया, वो बिल्कुल पास खराब हो गया। 400 करोड़ 500 करोड़ रुपए के घोटाले बाजू पास क्लीन चिट में जाती है, उन्हें सीएम बना दिया जाएगा, डीप के सीएम बना दिया जाएगा, ये कौन सा न्याय है, कौन सा लोकतंत्र चल रहा है, मुझे आप एक बात बताइए। तो आप लोग मिसाल कायम करेंगे कि नहीं सुमित मल्होत्रा जी? जी आप ही लोग मिसाल कायम कर दीजिए, जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। सुन तो लीजिए सुमित मल्होत्रा जी, संसद में, अरे मेरी बात सुन लीजिए सुमित मल्होत्रा जी, मैं तो सबके लिए एक ही बात कह रहा हूँ, अगर आप लोग भ्रष्टाचार से नाराज हैं, भ्रष्टाचार खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, तो इस मुद्दे को विषय बनाकर संसद में रखिए और कहिए कि सभी लोग अपने दागियों को निकालें, आप जैसे साफ छवि वाले लोग सामने आए और राजनीति करें, इसका स्वागत हम भी करेंगे। प्रसन्न भाई इस बार लोकसभा सदन चलने दीजिए, आप देखिएगा कि कौन कौन से मुद्दे उठ करके आते हैं, भाजपा के लिए इस बार जवाब देना बहुत मुश्किल पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, विपक्ष के नेता एक एक करके चुन चुन करके इनके खिताब मांगेंगे, खिताब दीजिए, दे नहीं पाएंगे, पर सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, आप नोट कर लीजिए। जो देखिए दो बैसाखियों के ऊपर टिकी हुई है, कब पलटू साहब पलटू चाचा भाग जाए, कब जेटू आपके पीढ़ी भी हट जाए। तो ये कह रहे हैं सुमित मल्होत्रा जी, आपकी पार्टी भी अपनी स्टैंड पे कायम रहे, ये चंद्रेश जी की पार्टी के लिए भी अच्छा होगा। चंद्रेश जी अगला मुद्दा आता है रेल हादसों पे लेकर, बीजेपी ने ढिलाई बरती है, प्रशासनिक ढिलाई है, सरकार की ढिलाई है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं, जिस पे चर्चा चाहेंगे संसद में? हादसों का और लाशों की राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करती है जी, और मैं इस पर कोई राजनीति नहीं करूंगा। मैं जो परिवार, जो पीड़ित परिवार हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और सरकार से ये अपील करता हूं, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से, कि वो पीड़ित परिवारों को हर संभव आर्थिक सहायता प्रदान करने का काम करें। चंद्रेश जी आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि रेल मंत्रालय पे केंद्र सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है, जिसके कारण ही ये हादसे बढ़ रहे हैं।
नहीं देखिए, जो भी कारण हो उस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक होनी चाहिए, अधिकारियों की बैठक होनी चाहिए, जो तकनीकी रूप से प्रशिक्षित लोग हैं उनकी बैठक होनी चाहिए और उनके द्वारा एक सार्वजनिक निर्णय लिया जाना चाहिए जो देश हित में हो, यात्रियों के हित में। चंद्रेश जी बेहद वाजिब बात कर रहे हैं कैप्टन आई सिंह जी, चंद्रेश सिंह जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं लाशों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन खामियों को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई करेंगे कैप्टन आई सिंह जी? निश्चित तौर पर शुक्ला जी मैं यही कहूंगा कि हादसे किसी के भी इस काल में हुए हो वो अच्छे नहीं होते, बीजेपी में हो रहे हैं वो भी अच्छे नहीं है, कांग्रेस के में हुए तो वो भी अच्छे नहीं है, क्यों इसमें नुकसान आम जनता का ही होता है और देश का होता है। तो बिल्कुल इसमें जहां भी अगर कोई कमी पेशी रही है, कहीं कुछ कर रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा कि इसमें सरकार कहीं से कहीं कोई कोताही नहीं बरतेगी, गलती किसकी है, जिम्मेवार कौन है, उस जिम्मेवार को बिल्कुल पनिश किया जाएगा कि दोबारा ऐसी गलतियां ना हो, ऐसे हादसे ना हो। तो हादसे ना देश के लिए अच्छे हैं और ना ही आम जनता के लिए। अब ये भी बता दीजिए कि नीट परीक्षा में जो धांधली की बातें सामने आ रही हैं, आपसे सीधा सवाल पूछ ले रहे हैं कि इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, ये धांधली जानबूझकर की गई या कुछ संगठित गिरोह है उन्होंने करवाया, ये जांच कैसे सामने आएगी, जांच के निष्कर्ष कैसे सामने आएंगे जी? शुक्ला जी आपने देखा होगा इससे भी पहले एक और जो है ना स्कैम हुआ था पेपर लीक का, तो उसमें योगी जी ने सख्त एक्शन लिया और एक हफ्ते के अंदर बिहार से लेके गुजरात तक बंगाल तक जितने भी आरोपी थे सब पकड़े और आज वो सब जेल में है। तो ये नेता थे, भाजपा के नेता थे वो भी जो पकड़े गए हैं, और इसमें जो है ना कोई छोटे पूरे लोग नहीं है, ये बहुत समय से चला आ रहा है। जब अखिलेश सरकार भाजपा के लोग बहुत बड़े माहिर हैं, भाजपा के नेता लोग बहुत बड़े माहिर हैं। बात सुनो पहले, बीच में बोलना आज सब लोगों के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है ना? फिर हम बारी बारी से आते हैं सबके पास जी चंद्र जी। तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं है, क्योंकि उन खास करके उन छात्रों के लिए तो बिल्कुल ये ठीक नहीं जो बड़ी मेहनत करते हैं। जी जी ये तो सबको मालूम है कि जो मेहनत करते हैं उनके लिए नहीं ठीक है, देश के लिए भी नहीं ठीक है, क्योंकि वहीं से डॉक्टर इंजीनियर आएंगे, फिर बाकी किसी के लिए नहीं ठीक है, लेकिन फिर भी ये हो रहा है। हो क्यों रहा है इसी पे मंथन कर रहे हैं हम लोग, तो हो क्यों रहा है ये बता दीजिए कैप्टन आई सिंह जी। वो वही मैं कह रहा हूँ कि ये स्कैम जो है ना आज का कोई आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत पूर्व से चल रहा है जब उत्तर प्रदेश में। अरे कैप्टन आई सिंह जी 10 साल से सरकार है, अब तो ऐसी बात मत करिए आप, बहुत साल से हो रहा है ठीक है, लेकिन अब आपने देख नहीं शुक्ला जी आपने देखा कि चोर आप 10 बंद कर दोगे तो 11वां फिर नया एक पैदा हो जाता है। बंगाल में इतना बड़ा जो है ना आप देखिए चुनाव हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसी कार्रवाई करिए जो मिसाल कायम कर सके, दोबारा ऐसे लोग इस तरह के कार्रवाई या इस तरह के लीक करने के मामले में हाथ डालने से पहले 4 बार सोचें। तो हम कर रहे हैं ना, आप देखो ना पिछला जो पेपर लीक हुआ था योगी जी ने कितना सख्त एक्शन लिया था, आप तो मीडिया वाले हैं आप तो सब जानते हैं कि एक हफ्ते के अंदर सारे आरोपी पकड़े गए थे, सब बंद थे और वो कहां से निकाला। तो मैं यही कहता हूं इन लोगों को थोड़ा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि ये लोकसभा चुनाव में बंगाल में क्या स्थिति है, आज जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो छुप के रह रहे, घर छोड़ के भाग चुके हैं, घरों को लौट के नहीं जा रहे और यहाँ बैठ के ये बात कर रहे हैं कि हम सदन में बात करेंगे। अरे चलिए बड़ी बात आप कर रहे हैं, टीएमसी प्रवक्ता सुमित मल्होत्रा जी हैं, अभी हमारे साथी चंद्रेश सिंह जी ने बोला कांग्रेस प्रवक्ता ने कि मणिपुर की स्थिति खराब है, बंगाल में भी यही चीजें देखी जा रही है, वहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है, जिन लोगों ने चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट किया उनको मार मार के भगाया जा रहा है, तमाम मीडिया रिपोर्टें आ रही हैं। तो अब ऐसे में लोकतंत्र को बचाने के लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? सुमित जी गंभीर उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं आपके से। भाई देखिए, सबसे पहला तो अभी बच्चों के भविष्य का है कि नीट का पेपर जिस तरीके से रिजल्ट आया है जी, तो उसके अंदर जांच सख्ती से होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अगर भाजपा अपने आप को पात्र समझती है। पर आज मुझे आप बताइए, पहले तो पेपर आता है उसके बाद पेपर आउट हो जाता है और पेपर कैंसिल हो जाता है, बच्चा करे तो करे क्या, करे क्या, मजबूर तो है। लेकिन कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है, जल्दी ही कोई बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाएगा। देखिए कोर्ट में सुनिए प्रसन्न भाई, सरकार क्या एक्शन ले रही है आज,
यही सवाल मैं पूछ रहा था, यही मैं सवाल पूछ रहा था कि आप चूंकि देर से जुड़े हैं, इन्होंने वादा किया है कि जो भी सक्षम एजेंसी कोर्ट के आदेश के बाद जो भी सक्षम एजेंसी होगी उससे जांच करवाई जाएगी, लेकिन अब मणिपुर की बात हो रही थी तो अब जरा बंगाल पे भी आ जाइए, जो राजनीतिक उत्पीड़न हो रहा है उस पर जरा कुछ बोल दीजिए। प्रसन्न भाई देखिए मैं उसी पे आ रहा हूँ, देखिए अभी आपको खुद मालूम होगा मोहन भागवत जी ने कितनी बढ़िया बात कही थी सारी चीजों को लेकर के, उन्होंने मोदी सरकार का उन्होंने घेरा है इस तानाशाह वाली सरकार, आरएसएस भी अब मानने लगा है तानाशाह, और मणिपुर को लेकर भी उन्होंने बात रखी। आज जितने दिनों से मणिपुर चल रहा है उसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी का एक शब्द नहीं आता है। अरे सुनो जी, हम तो बड़े चिंतित हैं कि बात आपको बंगाल की करनी है, आप मणिपुर की कर रहे हैं। अरे रसूल भाई बंगाल हुआ, बंगाल अब शांत हो चुका, बंगाल में जो रोज हुआ क्या तो, बात है, चंद्रेश जी मुस्कुरा रहे हैं, बंगाल कहाँ शांत हुआ है। अरे मणिपुर, आप मणिपुर के बारे में पूछिए ना, मणिपुर के, अरे मणिपुर पे चर्चा हो चुकी सुमित जी, चलिए मणिपुर पे चर्चा कर लेते हैं। आप बंगाल करेंगे, आप बंगाल को लेकर के मेरे जैसे, अरे भाई मणिपुर पे हो चुकी है चंद्रेश जी, आप इसकी गवाही दे दीजिए सुमित जी को, लेकिन अगर आप कहेंगे तो फिर भी एक दो मिनट निकाल लूंगा मैं मणिपुर पे, लेकिन अभी आपसे जवाब चाह रहे बंगाल पे। देखिए प्रसन्न भाई देखिए बंगाल में जो भी चीज हुई पर हमने तो कार्रवाई करी, ऐसा नहीं है नहीं कार्रवाई करी कि हमने जिन आरोपियों को पकड़ करके उठा करके जेल में डाला, क्या भाजपा ने अब तक किन किन आरोपियों को पकड़ करके जेल में डाला, नीट के पेपर में भविष्य के जो बच्चों के संग छलवाड़ हुआ ये भी थोड़ा सा ये बता दें, आईपीसी क्यों नहीं डाला अभी तक, क्यों नहीं कार्रवाई हुई, मणिपुर के ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये कई ऐसी चीजें हैं कि इनको जवाब देना पड़ेगा। उसमें भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन फिर कह रहा हूँ अपना भी जब दामन दागदार हो तो जबान हटवाती है चंद्रेश जी। बस मैं दो चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ जल्दी जल्दी, आपके कर्नाटक से और पंजाब से और बंगाल से जो पत्रकारों के उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं, पत्रकारों के खिलाफ FIR लिखा जा रहा है कर्नाटक में, बंगाल में, पंजाब में, इस तरह की कार्रवाइयों को आप उचित मानते हैं, क्योंकि ये वही कार्रवाइयां हैं जिसका आप लोग 5 साल से विरोध कर रहे थे। देखिए मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया को वो हर सुविधा मिलना चाहिए, माहौल मिलना चाहिए जहां स्वतंत्र अभिव्यक्ति के माध्यम से जन जन की बातें वो सरकार को सुना सके, या कह सके कि सरकार के कान के नीचे एक मजबूत आवाज में धमाका कर सके जिससे सरकारें सही रास्ते पर चल सके। लेकिन पिछले कुछ सालों से मीडिया का जो रवैया है वो जैसे लग रहा है देश का मीडिया राजनीतिक दलों में बटा हुआ है, वो चाहे किसी भी दल हो किसी के भी संबंध में हो हम उसको स्वीकार नहीं करते। जहां तक आपने कर्नाटक का मुद्दा उठाया, पश्चिम बंगाल का मुद्दा उठाया या उन राज्यों का जहां पर कांग्रेस या उसकी अलायंस की सरकार है वहां पर मीडिया पर कोई कार्रवाई हुई है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि लोग मीडिया का बिल्ला लगा लेते हैं और दरअसल वो मीडिया के लोग नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। मामलों में जो ताजा मामले आए हैं, जो देशभक्ति की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है, उत्तर प्रदेश में तो सुन लीजिए और देश को बिखरने की बात नहीं करता है, उसके ऊपर भी FIR दर्ज हो गए। लेकिन हमारा तो सवाल यही है कि आप संसद में जब बैठिए, चंद्रेश जी मेरी बात सुनिए, आप जब आप संसद में बैठिए, संसद सत्र में बैठिए, आपकी पार्टी बैठती है तो ऐसे भी मुद्दों पे चर्चा करिए जिससे वास्तव में संविधान में मजबूती चर्चा होनी चाहिए और सदन में नहीं। और पत्रकारों से आप चिढ़ के कोई FIR कर देंगे उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। APN चैनल पर मैं ये बात कह रहा हूँ और मैं बात कह रहा हूँ तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, संसद सदस्यों का अपना अलग भूमिका है, संसद की अलग भूमिका है, एक नागरिक के तौर पे और राजनेता के तौर पे ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, यदि कहीं भी देश में समाज में कहीं भी कोई गलत काम हो रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए, चाहे वो मीडिया के ऊपर फर्जी FIR हो या उत्तर प्रदेश में किसी पत्रकार का इनकाउंटर हो जाना हो या उसे जेल में डाल दिया जाना हो, तो जब बात होगी तो कॉम्प्रिहेंसिव स्तर पर होगी, बिल्कुल होनी चाहिए और बिल्कुल होनी ही चाहिए। और जैसे जैसे आपने बंगाल का, पश्चिम बंगाल का मुद्दा उठाया, मुझे अच्छा लगा कि यदि वहां पर कोई बात है तो मुद्दा उठना चाहिए, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि बवाल कौन से लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां सरकार में नहीं होती वहां दंगे फसाद और सांप्रदायिक तनाव होते हैं, जहां सरकार में आ जाते हैं तनाव बंद हो जाते हैं, इसका मतलब
कि सांप्रदायिक तनाव करने वाले लोग कोई और नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और सिर्फ वही एकमात्र इनके पास तरीका है जिसके माध्यम से सरकार में आ सकते हैं। पश्चिम बंगाल जो अशांत है उसके अशांति का मूल कारण भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग। संसद में अब संसद सत्र में तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की कि किन किन मुद्दों को लेकर संसद में गतिरोध हो सकता है और किन मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों की क्या मांगे हैं और बीजेपी कहां तक सहमत होगी, तो आप सभी मेहमान इस चर्चा में जुड़े रहे। कैप्टन आई सिंह जी, आपने सरकार की तरफ से जवाब देने की कोशिश की, बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रेश सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी साफगोई से आपने अपनी बात रखी और अपने पार्टी का पक्ष रखा। सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कम से कम राजनीतिक शुचिता की बात की। फिलहाल वक्त की कमी के कारण लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए APN न्यूज के साथ।